अपने आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में जहरीली शराब से मौतों का मामला है। आबकारी विभाग ने मामले में कार्रवाई की। जिला आबकारी अधिकारी राजेश्वर मौर्य निलंबित कर दिए गए हैं। आबकारी इंस्पेक्टर अजय कुमार निलंबित किए गए हैं। आबकारी सिपाही धीरेन्द्र श्रीवास्तव निलंबित किए गए हैं। रायबरेली में जहरीली शराब से मौतों के मामले में आपको बता दें कि आबकारी विभाग ने इस मामले में कार्यवाही की है। जिला आबकारी अधिकारी राजेश्वर मौर्य को निलंबित किया गया है। नंबर एक, जिला आबकारी अधिकारी जो है उनको निलंबित किया गया है। आबकारी इंस्पेक्टर अजय कुमार निलंबित किए गए हैं। आबकारी सिपाही धीरेन्द्र श्रीवास्तव निलंबित किए गए हैं। यानी जिला आबकारी अधिकारी, इंस्पेक्टर और सिपाही, इन लोगों को निलंबित किया गया है। शराब पीने से 6 लोगों की मौत हुई थी और 1.5 दर्जन से अधिक लोग की हालत गंभीर बताई जा रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने यह कार्यवाही की है। रायबरेली जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में शराब पीने के बाद 6 लोगों की डेथ हुई है, जबकि 1.5 दर्जन से अधिक लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्राम प्रधान की तहरीर पर सेल्समैन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आईजी लक्ष्मी सिंह ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और मामले की गहनता से जांच की। शराब पिया, हमारी तबीयत दर्द हो रहा सीने में, तो डॉक्टर को बुलवाया तो डॉक्टर बताया कि अभी ठंडी वंडी लगी होगी। क्या नाम था इनका जो खत्म? सरोज। अच्छा, और लोग भी खत्म हुए हैं क्या? हाँ, और लोग खत्म हुए शराब पीने से। हाँ, शराब पीने से। इनकी दारू पीने से पेट में दर्द हुई, पलटी हुई, तो यहाँ 2 लोग की तो मौत हो चुकी है। अभी अब ज्यादा नाली हमको नहीं, अब तक 6 लोगों की मौतें हुई हैं और कुछ लोगों को एहतियातन प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों की टीम रात से ही गांव में मौजूद है और वो एक एक घर जाके इसका सत्यापन कर रहे हैं। एक सरकारी ठेके की दुकान है, गांव के ही पास में स्थित है और ठेकेदार और सेल्समैन के नाम पर FIR दर्ज की गई है। एक कंपनी की बनाई हुई बोतलें मौके से बरामद हुई हैं और उनको फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भी भेजा गया है और मामले की जांच पड़ताल आगे चालू है। ये गंभीर घटना है और ये जहां से भी एक इनका स्रोत है, इसको हम लोग पता करके इसमें अग्रिम कार्रवाई भी करेंगे। ये बड़ी दुखद घटना है, कल रात की घटना है और इसकी अभी हम लोग जानकारी और प्राप्त कर रहे हैं। जहां भी लापरवाही हुई है उनको बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में देसी ठेके से लाई गई शराब पीने के बाद 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हम रायबरेली के पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद हैं, यह देख सकते हैं रायबरेली का पोस्टमार्टम हाउस है। यहां पर 6 डेड बॉडी आ चुकी है और 1.5 दर्जन से अधिक लोग अभी भी जो है एडमिट बताए जा रहे हैं कि उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। यहां पर कुछ जो मृतक उनके परिजन देख सकते हैं यहां पर मौजूद, उनसे भी जानेंगे आखिर क्या माजरा था, किस तरह से घटना हुई है, क्या लग रहा है किस तरह से घटना हुई थी। रामोद भैया, क्या कितने लोग एक्सपायर हुए अभी तक आपकी जानकारी है? हमें जानकारी में करीब 7 लोग हो चुके हैं। कैसे हुए थे क्या पता चला? ये शराब पिए थे। कहाँ से लाए थे लोग? ठेके, देसी दारू ठेका है, वही दारू ठेके से लाए थे। कौन एक्सपायर हुआ है आपका? हमारा भाई। कैसे, क्या हुआ था? यही दारू पिया, हम पलटी किया तो उसकी बदबू आ रही थी। फिर क्या हुआ? फिर इलाज के लिए हमने जिला अस्पताल पहुँचे, फिर निमदर्द हुआ। किससे देखिए डेडबॉडी यहाँ पे देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो है सामने निकल के आ रहा है कि जो जहरीली शराब थी उस वजह से जो है मौतें हुई हैं। ये देख सकते हैं डेडबॉडी यहाँ पे है, तो इस तरह की यहाँ पे जो 6-7 डेडबॉडी आ चुकी है। लेकिन अभी ऑथेंटिक अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन ने अभी जो है 6 लोगों की पुष्टि की है मौत की, वही 1.5 दर्जन लोग जो है जिला अस्पताल में एडमिट बताए जा रहे हैं। मौके पर आजी जोन लखनऊ लक्ष्मी सिंह भी पहुंच गई घटनास्थल पर और जायजा भी ले रही है। रोहित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रोहित, इसमें 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई अभी की है, क्या जो इसके पीछे है उसे भी अब तक पकड़ा गया है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, अगर मेन कार्रवाई की बात की जाए तो जो आबकारी निरीक्षक है और सिटी आबकारी, वो एक सिपाही पर जरूर कार्रवाई हो चुकी है। वही अगर बात की जाए तो जो दोषी लोग जो स्थानीय पुलिस के ऊपर बात की है तो वहां पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वही जो दुकान का जो वो आनर था और सेल्स मैन, वो अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर चल रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिले, अभी तक मौत का आंकड़ा 6 पहुंच चुका, 20 से अधिक लोग जो जिला अस्पताल में एडमिट है, तो लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, यानी अभी उन शराब माफियाओं तक पुलिस नहीं पहुंची है।
जी बिल्कुल, जो दोषी है अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जो दो, जो दुकान खोले हुए थे, जो देसी दुकान चलाते हैं शराब की, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और जिनकी निगेबानी में ये होता रहा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, जो अगर बात की जाए तो जो देसी शराब की दुकान है उसके मेन होल्डर जो होते हैं वो आबकारी, तो आबकारी जिला आबकारी अधिकारी सिटी आबकारी वो सिपाही के ऊपर जो निलंबन की कार्रवाई जरूर हो गई है अभी तक। कितने अब तक कितने लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, तीन या इससे अधिक? अभी तीन लोगों पर ही कार्रवाई हुई है वही, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल है कि स्थानीय पुलिस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आईजी रेंज मौके पर है, आईजी रेंज आई थी और घटनास्थल पर उसके बाद घायलों का जायजा ले रही है। अगर वही बात के देख सकते तस्वीरों में एसी के साथ साथ जो है बाकी जो सभी वाहन है बाकी फोर्स जो है गाँव में पूरी तरह से तब्दील करके इस घटनाक्रम के बाद क्या ग्रामीणों में और आसपास के इलाकों में तनाव की स्थिति थी? बिल्कुल, ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिला क्योंकि जो शराब की दुकान थी उसका लाइसेंस कहीं और का था और दुकान कहीं और संचालित हो रही थी, इसको लेकर जो है ग्रामीण। चलिए, हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा अहम जानकारी दे रहे थे। मौके पर लखनऊ की आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह पहुंची थी और फिलहाल तीन लोगों पर कार्रवाई हुई है अब तक। एक बार फिर से रोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। और रोहित, क्या वो देसी शराब की दुकान थी या कि इनलीगल चल रही थी? वो देसी शराब की दुकान थी लेकिन जहां पर दुकान होनी चाहिए थी जिस नाम से उसका लाइसेंस हुआ था वो थुलवासा था, लेकिन ये दुकान पहाड़पुर में चलाई जा रही थी तो कई लोगों में इसको लेकर काफी रोष देखने को मिला था उस जगह पर। ऐसी कई गड़बड़ियां और हैं क्या? अगर गड़बड़ी की बात की जाए तो जहाँ पे दुकान संचालित हो रही थी वहां पर कोई बोर्ड नहीं लिखा था, ना कोई दुकान का नाम लिखा था, दुकान किसके नाम पे है, अनुज्ञापी कौन है, कोई भी चित्र नहीं था, तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर देखने को मिली। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका, धन्यवाद। इसे काला टीका लगाओ।